Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. Now, since you know that we are in a state of emergency, health emergency, and I pray that you all, your whole family, your entire family, in this emergency situation, be better from your health and not have any problems or problems. And because of this emergency situation, the department has decided to go online for the courses. So, हमारे पास जो double E का YouTube channel है, उसको उसके ऊपर जितनी भी videos हैं, online lectures की वो upload हैं. और आपसे गुजारिश है कि उन video lectures को आप देखें. हम weekly इसे 3+0 का course है, तो जैसे engineering management 3+0 का course है, तो इसमें week के 3 lectures upload होंगे. और अगर कोई 2+0 का course है, तो उसके week के 2 lectures upload होंगे. लैब की चीजें लैब वाले खुद आपको बताएंगे. तो मीनवाइल हम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. ये जो किताब है ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है आपकी, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मीटिंग द ग्लोबल चैलेंजेस बाय सीएम चैंग. इट इज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन योर एलएमएस. आप एलएमएस पर जाके ये स्लाइड देख सकते हैं, ये वेबसाइट, ये सॉरी बुक आप ये व्यू कर सकते हैं. इसके अलावा ये हमारी गूगल शीट है. अगर आप ये गूगल शीट देखें तो यहां पर आपके पास पहली चीज तो हम कॉर्पोरेट मैनेजमेंट की हवाले से हम बात करेंगे और व्हाई वी आर लर्निंग दिस इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कोर्स. सेकंडली इंजीनियरिंग इकोनॉमिक कांसेप्ट्स की हम बेसिक बुनियाद पे बात करेंगे, लेकिन जो बुनियाद पर बात करेंगे हम बात करेंगे पावर इकोनॉमिक कांसेप्ट्स की. ये हम न्यू डायमेंशन ऐड कर चुके हैं कोर्स में डिपार्टमेंट. लास्ट टाइम डॉक्टर बिज्जत ने इसको ऐड किया था, इस टाइम इसको मैं पढ़ाऊंगा. तो इकोनॉमिक कांसेप्ट के साथ-साथ हम पावर इकोनॉमिक्स कांसेप्ट को भी ऐड करेंगे. तो ये पूरी जो कोर्स शीट है ये एलएमएस पे अपलोडेड है, तो काइंडली इसको आप देख सकते हैं. नाउ गोइंग टुवर्ड्स द लेक्चर, दीस आर आवर लेक्चर स्लाइड व्हिच इज ऑलरेडी बीन अपलोडेड ऑन योर एलएमएस. तो इसको हम जरा देखते हैं. ओके, सिंस वी आर रीडिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, तो हमारे पास बहुत सारे बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर व्हाई वी आर रीडिंग इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, व्हाई द इंजीनियर्स नीड टू लर्न द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट थिंग्स, एंड ऐसी कौन सी बात है जो इंजीनियर्स को जरूरी है कि वो मैनेजमेंट चीजें पढ़ें. तो ये जो इंट्रोडक्टरी स्लाइड्स हैं जो मैंने बनाई हैं, ये इंट्रोडक्शन है और इसी में मैं ये कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये बात समझाऊं कि ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है बीइंग एन इंजीनियर कि हम इंजीनियरिंग मैनेजमेंट को स्टडी करें. दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सॉरी, तो अब क्योंकि अगर हम न्यू मिलेनिया में एंटर हो चुके हैं और न्यू मिलेनिया के अंदर हमारे अंदर बहुत सारी चीजें आपने देखी हैं कि पिछले मिलेनिया में नहीं थी, इस मिलेनिया में ऐड है. फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव इन दिस मिलेनिया इज इंटरनेट, जिसकी वजह से हमारा जो पूरा दुनिया है वो अभी ग्लोबल विलेज की में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और मोर सोफिस्टिकेटेड या एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, इंडस्ट्री 4.0 है, बिग डेटा है, क्लाउड है, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो हमारे पास एज अ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैं और एप्लीकेशंस के तौर पर हैं और हमें इनसे काम करना पड़ता है. और इन्हीं वजूहात की वजह से जो कस्टमर है उसकी नीड्स कंटिन्यूसली रैपिडली चेंज हो रही है. मतलब कि ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम अगर हम पिछले एरा की हम बात करें, 90s की एरा की बात करें, तो कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा था. अब कम्युनिकेशन गैप श्रिंक हो चुका है, आपकी वन क्लिक पे हर चीज़ कम्युनिकेट हो जाती है, हर वन क्लिक पे चीज़ें इजीली एक्सेसिबल है, प्रोसेस हो सकती हैं. अब वर्किंग हार्ड की बात नहीं होती, अब वर्क स्मार्ट की बात होती है. वर्क स्मार्ट SMART, स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल रियलिस्टिक एंड टाइमली, यानी अब हम बात करते हैं वर्क स्मार्ट की. और अगर अब वर्क स्मार्ट की हम बात करें तो फिर जाहिर सी बात है हमें बहुत सारी चीज़ें जो पिछले एरा में नहीं होती थी वो इस एरा में हमें करनी पड़ेंगी. और इसी वजह से चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, कंपटीशन इंक्रीज हो गया, तो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो प्रोसेसेस हैं वो भी इवॉल्व हो चुके हैं. ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है, यानी अब ऐसा एम्प्लॉई जो कि एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ही एक्टिव है, सही है वो एक स्पेशलाइज्ड डोमेन में एक्टिव होगा, लेकिन उसको दूसरी डोमेन्स की चीज़ें भी पता होती हैं. तो इफेक्टिव लीडर के तौर पे उसको वो व्यू करते हैं जो उनकी टेक्नोलॉजी को भी समझे और साथ साथ बिजनेस ओरिएंटेशन. जो टेक्नोलॉजी को भी देखे और साथ साथ उनकी बिजनेस ओरिएंटेशन को भी देखे, इस किस्म के टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूटर की ऑर्गेनाइजेशंस में रिक्वायरमेंट है. मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि बिजनेस ओरिएंटेशन रखे, बल्कि
टेक्नोलॉजी, अगर वो टेक्नोलॉजी को देख रहा है और साथ में बिजनेस भी जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल इसी चीज़ को लेते हुए, अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट के क्राइटेरिया हैं, सिलेक्शन क्राइटेरिया, वो बहुत काफ़ी हद तक जो है वो चेंज हो चुके हैं। अब OBE सिस्टम अगर आप देखें, ऑर्गेनाइजेशन आउटकम बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, उसमें आपकी सॉफ्ट स्किल्स को कितना ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, कम्युनिकेशन स्किल्स है उसमें, ओरल है, रिटन है, रिटन स्किल्स का मतलब विदाउट बॉडी, विदाउट बॉडी या बॉडी लैंग्वेज के बगैर या बॉडी लैंग्वेज के साथ, कम्युनिकेशंस की यूज़, इंटरपर्सनल स्किल्स की यूज़ करना, उनको इस्तेमाल करना, फिर ऐसे डिसीजंस लेना जो ऑर्गेनाइजेशन को आगे स्ट्रेटेजिकली किसी गोल को अचीव करवा रहे हो, यानी कि क्रिटिकल डिसीजंस लेना। और क्रिटिकल डिसीजंस में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि डाटा जो है वो गैदर करना, उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाना, रिसोर्सेज जो आपको अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज को पूल करना, या एलोकेटेड रिसोर्सेज को किसी को, एलोकेटेड रिसोर्स को उसको गेज करके मज़ीद रिसोर्सेज को इंक्रीज़ करना, या ऐसी रिपोर्ट्स बनाना जो इकोनॉमिकली फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हों या टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स हों, फिर ऐसे हैं जो जिससे ऐसे एक्शंस ले सकें। ये वो सिलेक्शन क्राइटेरियाज हैं जो आजकल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजिकल कंट्रीब्यूटर्स में देखती हैं। अब इंजीनियरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन, इंजीनियरिंग से जब आप पढ़ के निकलते हैं और आपको अगर इन चीज़ों की जो है वो नॉलेज नहीं है कि आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे या आप किस तरह से लोगों को अपनी बात पहुँचाएँगे, अब आगे आगे जब सामने आपके सुनने वाला बंदा है वो ज़रूरी तो नहीं है वो टेक्नोलॉजी के लिए इक्विप्ड हो, वो एक लेमैन भी हो सकता है, लेकिन आप टेक्नोलॉजी के लिए इक्विप्ड हैं, आपका कस्टमर टेक्नोलॉजी के लिए इक्विप्ड नहीं है, तो उस लेमैन टर्म में सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आप कैसे समझाएंगे चीज़ों को। यानी इफ़ योर ग्रैंडमा इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्ड बाय यू, दैट मीन्स यू हैवन अंडरस्टूड दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बाय देम बाय योर सेल्फ एज वेल। क्या आप अगर अपनी किसी बड़ी बूढ़ी को भी वो कॉन्सेप्ट ना समझा सकें तो आपने खुद भी वो कॉन्सेप्ट नहीं समझा सही तरीके से। सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझाना काम है इंजीनियर्स का, और लोगों को इन्वॉल्व करना है इंजीनियर्स को, लोगों से काम करवाना है इंजीनियर्स को, उनको उनके रिस्पेक्ट से इक्विपमेंट देनी है, उनको फैसिलिटेट करना है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग्स देनी है, उनको रिस्पेक्टेड बिजनेस रिलेशनशिप्स मेंटेन करना है। तो इस तरह के चैलेंजेस आजकल इंजीनियर्स को दरपेश हैं। अगर इंजीनियर्स इन सब एक्सटर्नल बिजनेस पार्टनर्स को नहीं लेके चल सकते, एक्सटर्नल बिजनेस पार्टनर्स कौन है आपके, कस्टमर है आपका एक्सटर्नल बिजनेस पार्टनर, स्टेक होल्डर है आपका एक्सटर्नल, शेयर होल्डर आपका एक्सटर्नल बिजनेस पार्टनर है, इंटरनल टीम्स कौन सी हैं आपकी, स्टेक होल्डर्स हैं आपके, आपके लोग हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आप उन लोगों के साथ, उन लोगों से काम करवाएंगे ताकि आपके एक्सटर्नल बिजनेस पार्टनर्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उनको मिले। आप वो वैल्यू जनरेट करना चाह रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो वैल्यू जनरेशन काम ही बेहतर तौर पर वही बंदा कर सकता है जो टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड भी हो, स्किल्ड उसके पास हो, और साथ साथ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ भी वो परफॉर्म करता हो। अब इन तरह की चीज़ें हैं जो आजकल रिक्वायरमेंट हैं, चैलेंजेस हैं, तो अगर इंजीनियर्स के पास नहीं है, अब से अगर एक बिजनेस ओरिएंटेड वाला बंदा है वो BBA करके आता है, अब BBA करके बंदे को इतना टेक्नोलॉजिकली इक्विप्ड नहीं होता वो, उसको हाँ बिजनेस ओरिएंटेशन तो पता होती है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे कहते हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट कैसे कहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे कहते हैं, लेकिन उसको प्रोग्रामिंग लॉजिकल कंट्रोलर के साथ साथ जो चीज़ें चल रही हैं, डेटा लॉजिक चल रही है, उसके रिस्पेक्ट पे क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे वो तो एक इंजीनियर ही बताएगा ना उसको। लेकिन अगर एक इंजीनियर के पास वो एडिशनल स्किल्स आ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा स्कोप है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से ऑर्गेनाइजेशन को हम ये कहते हैं कि आप पैनिक ना करें, इंजीनियर्स आर हेयर टू हेल्प, बिकॉज वी आर बींग एन इंजीनियर, अब बींग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी टीचर, वी आर डिलीवरिंग दोज स्किल्स टू आर स्टूडेंट्स राइट नाउ, और ये स्किल्स ही हैं जो आपकी ग्लास सीलिंग को ब्रेक करेंगे। अब ग्लास सीलिंग से मुराद क्या है हमारी, यानी आप बाहर जाएँ किसी भी जगह पे खड़े हों, बाहर बहुत बड़ा सा ग्राउंड है, उस ग्राउंड में अगर आप खड़े हों और आसमान की तरफ देखें तो यू विल से स्काई इज़ द लिमिट, तो एक वक्त आएगा जब आप फिर ऊपर देखेंगे तो शीशा है ऊपर, वो शीशा तोड़ के स्काई इज़ द लिमिट, वो शीशा जो है ना वो बैरियर है, वो बैरियर उस शीशे तक ले जाने के लिए टेक्निकल स्किल्स हैं, लेकिन उसके ऊपर मजीद ले जाने के लिए आपको सॉफ्ट स्किल्स चाहिए, शीशा टूटता ही सॉफ्ट स्किल्स है, तो आजकल सॉफ्ट स्किल्स की बहुत रिक्वायरमेंट है। और आजकल जो स्टैम प्रोफेशनल हैं, हम स्टैम से मुराद क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अभी इंजीनियर्स के लिए स्टैम स्किल्स पहली बात होना बहुत ज़रूरी है, इंजीनियर्स के लिए ये स्टैम स्किल फ़र्ज़ है बिल्कुल, इसका होना बहुत ज़रूरी है। कौन सी, साइंस इंजीनियरिंग
साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अब जैसे हेनरी फोर्ड का मैंने नीचे आपको ये नज़र आ रहा होगा, मैंने एक आपसे एक शेयर किया कि द ओनली रियल सिक्योरिटी दैट अ मैन कैन हैव इन दिस वर्ल्ड इज अ रिजर्व ऑफ नॉलेज एक्सपीरियंस एंड एबिलिटी। वही आगे जा सकते हैं और उसको अगर वो आगे कन्वे कर दे सही तरीके से तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। इसलिए डू नॉट पैनिक, इंजीनियर्स आर हेयर टू हेल्प दोज ऑर्गेनाइजेशन हु सीक टेक्नोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूटर एज अ मैनेजरियल एक्सपर्ट। तो इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स रिक्वायर्ड वॉट राइट नाउ, अगर हम बात करें इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होने चाहिए, उनको कस्टमर फोकस माइंडसेट चाहिए। यानी इंजीनियर्स का काम सिर्फ ये नहीं कि वो मेंटेनेंस करें, इंजीनियर्स का काम अभी नहीं वो डिज़ाइन करें या वो कोई एल्गोरिथम डिज़ाइन कर दें, नहीं, दे शुड नो व्हाट इज़ द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट एंड व्हाई दे आर डिज़ाइनिंग दैट पर्टिकुलर एल्गोरिथम, फॉर हुम दे आर डिज़ाइनिंग दिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम। तो कस्टमर ओरिएंटेड या फोकस्ड माइंडसेट, इसको हम कहते हैं सोल्यूशन फोकस्ड अप्रोच। आजकल की मार्केट के जमाने पर विजन चाहिए, एक लीडरशिप चाहिए, क्रिएटिविटी इनोवेशन इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ एन इंजीनियर। फिर प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू क्रिएशन है, अगेन आप देखें एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म। इंजीनियरिंग के प्रशोभे के अंदर जितनी ज़्यादा इंजीनियरिंग हो गई, डॉक्टरी हो गई, लॉयर्स हो गए, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म के बगैर आप इंजीनियरिंग का कोई काम नहीं कर सकते। और ग्लोबल ओरिएंटेशन, फिर अगेन सिर्फ आप ये कहें कि यार हम एक इंटरनेशनल मार्केट में तो नहीं एग्जिस्ट कर रहे, हम तो एक लोकल मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ग्लोबल मार्केट के अंदर अगर आप इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट कर दें तो फिर वो जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं वो इंटरनेशनल जो है उस तक कहते हैं उस नहज की हो जाती हैं या उस स्टैंडर्ड की हो जाती हैं आपकी जो लोकल प्रैक्टिसेस हैं। और वो सब चीज़ें फिर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं आपकी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स हैं, डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हैं, क्रिटिकल एनालिसिस है, ये वो स्किल सेट्स हैं मेरे बेटों मेरे बच्चों जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन, टीम वर्क, कोलेबोरेशन, रिजल्ट ओरिएंटेशन, ये तो सॉफ्ट स्किल्स हैं, अब ये सॉफ्ट स्किल्स भी आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एथिक्स, टेक्नोलॉजिकल ओरिएंटेशन, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे आप करें, इंटरनेट की किस तरह से यूज़ करें, स्मार्टफोन्स हैं किस तरह से आप स्मार्टफोन को यूज़ करेंगे ताकि आपके रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकें, तो इस तरह की चीज़ें, पर्सनल रिलेशनशिप्स किस तरह से आप एज करेंगे। द ओनली सोल्यूशन फॉर इंजीनियर्स इज़ वॉट, कि अब इंजीनियर्स को लीड करना है, दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। अगर इंडस्ट्रीज़ को अब ये नहीं कर सकते कि एक मार्केटिंग मैनेजर अलग, इसलिए आप देखें ना सेल्स इंजीनियर की टर्मिनोलॉजी आप आजकल देखते हैं, सेल्स इंजीनियर आपको हायर करना पड़ता है। तो पहले तो सेल्स इंजीनियर नहीं होता था, लेकिन अब एक सर्किट ब्रेकर को बेचने वाला भी इंजीनियर है, ऐसी बात है, सर्किट ब्रेकर की ज़्यादा बेहतर चीज़ है, वो भी जान सकता है, तो ज़्यादा बेहतर कस्टमर को गाइड कर सकता है एक सर्किट ब्रेकर को बेचने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर ऑर्गेनाइजेशन में जो बड़ी बड़ी आपको रिक्वायरमेंट्स होती है मशीन्स वगैरह की, इन सबको जो जनरेटर वगैरह बेचने के लिए सेल्स इंजीनियर हायर होते हैं बताता। अब ये ऑपरेशनल एक्सेलेंस जो है ना, वो ऑपरेशनल एक्सेलेंस तो है, वो तो आपको रिक्वायर्ड है। अब उस ऑपरेशनल एक्सेलेंस के अंदर भी चीज़ें हमने काफ़ी ज़्यादा चेंज देखी हैं पिछली सदी से, इस न्यू मिलेनिया के अंदर ऑपरेशनल एक्सेलेंस में भी चीज़ें चेंज होंगी। यानी कि पहले प्रोडक्ट डिज़ाइन के ऊपर इंजीनियर से बात नहीं होती थी, बहुत बाहर से किसी ने मतलब किसी दूसरे डिपार्टमेंट से प्रोडक्ट डिज़ाइन आ गया, इंजीनियर ने बस वो प्रोडक्ट डिज़ाइन करके दे देना आ गया, लेकिन अब वो रिक्वायरमेंट भी इंजीनियर जनरेट करके देता। इनफैक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्लांट की ऑपरेशन तो करनी है, फैसिलिटी मेंटेनेंस तो करनी है, फिर उसको इनोवेट करना, नॉलेज को बिल्ड करना, नॉलेज गैप को कम से कम करना और नॉलेज को मैनेज करना, मार्केटिंग एंड सेल्स करना, ये भी इंजीनियर का काम है। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ये वन ऑफ द की स्किल्स दैट इज बीन एडेड इन न्यू मिलेनिया इंजीनियर्स के लिए। इसीलिए हम कहते हैं कि आजकल के दौर में इंटरडिसिप्लिनरी टेक्निकल स्किल्स आर ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। यानी सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है तो ट्रांजिस्टर्स के अंदर कैसे चल रहा है ये नहीं करेगा वो, बल्कि अब वो साथ साथ आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस भी सीखनी पड़ती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम सीखना पड़ता है, IoT के ऊपर काम सीखना पड़ता है, इंडस्ट्री 4.0 के ऊपर, फिर वेब बेस्ड टूल्स हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना है आपने स्टैटिस्टिकल टूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है, स्टैटिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए कि किस तरह से डाटा गैदर करना पड़ता है। पहले इंजीनियर्स ये काम नहीं करते थे, कि दोज इंजीनियर्स इंजीनियरिंग मैनेजर्स हु आर इनोवेटिव, यानी जो इनोवेटिव भी हैं एंड हैव बोथ टेक्नोलॉजिकल इंसाइट्स एंड बिजनेस सेवी विल हैव अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट सिग्निफिकेंट वैल्यू एंड टू पी रिच इस मिलेनियम के अंदर। थैंक यू। सिग्निफिकेंट वैल्यू फॉर एंड बी रिचली रिवॉर्डेड बाय द एम्प्लॉयज इन द न्यू मिलेनियम। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ वो नहीं जो सिर्फ तारे जोड़ रहे हैं इंजीनियर, बल्कि वो इंजीनियरिंग के लोग जो मैनेजर्स भी हैं, इनोवेट भी करते हैं
उनको टेक्नोलॉजी का भी पता और बिजनेस ओरिएंटेशन का भी पता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं अब ज़्यादा। अब सिर्फ तारे जोड़ने वाले के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, इसलिए हम कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आपको कोर्सेज ऐसे पढ़ाए जाते हैं बार बार जिसका ताल्लुक दूसरे जो है वो स्किल सेट, सॉफ्ट स्किल से भी ताल्लुक होता है उनका। अब व्हाट इज इंजीनियरिंग, अगर हम यहाँ तक तुमने बात की कि आजकल करंट सिनेरियो में प्रॉब्लम क्या है, अब जरा इसका लिंक बनाया जरा इंजीनियरिंग मैनेजमेंट का। इंजीनियरिंग किसे कहते हैं, ये एबर्ट की एक डेफिनेशन है, द प्रोफेशन विद द नॉलेज ऑफ स्टेम, स्टेम इज व्हाट, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग का मतलब है क्या, द प्रोफेशन इन विच ए नॉलेज ऑफ द स्टेम एंड नेचुरल साइंसेस गेन्ड बाय स्टडी। आप जो नॉलेज हासिल कर रहे हैं वो नॉलेज सिर्फ ऐसे नहीं हासिल कर रहे कि देखिए, बल्कि एक्सपेरिमेंटल नॉलेज हासिल कर रहे हैं, उस एक्सपेरिमेंटल नॉलेज को पूरा प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करके जजमेंट डेवलप करते हैं, और जजमेंट इसलिए डेवलप करते हैं ताकि वो इस्तेमाल कर सकें किसी इकोनॉमिकली वर्क फोर्स को क्रिएट करने के लिए। दैट इज द इंजीनियरिंग फॉर यू इन द प्रोफेशन इन विच नॉलेज ऑफ स्टेम एंड नेचुरल साइंसेज गेन बाय स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस इज अप्लाइड विद जजमेंट टू डेवलप ways to utilize economically the material and the forces of nature for the benefit of mankind.